खैर इसके संदर्भ में हम लोग देखें, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है मार्केट आज का, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। चलिए, जब कोई दिक्कत ना दिखे तो कॉशियसनेस का डोजेज रखने का, थोड़ा सा ध्यान रखने का। हालांकि अब क्या है, वो रिजल्ट है नहीं कि बुरे और अच्छे करूं, तो जो खबरें आमतौर पे अच्छी आ जाती हैं, तो लार्जली ज्यादातर सब ग्रीन में स्टॉक नजर आएंगे, पर इससे आप कैरिड अवे मत होइएगा। और ऐसी कोई मीनिंगफुल खबर भी नहीं है कि मैं कन्विक्शन के साथ कहता हूं तो आज हरा ही चलेगा, पर लॉजिकली हरे रहने चाहिए, इसीलिए आप वॉच आउट करिएगा, सिर्फ स्क्रीन पे ऐड करिए। और हम लोग डिकपल्ड भी तो हैं, हमने इतना अच्छे क्यूज दस से हमें क्या लेने देना, हो सकता हाँ हम गिर गए तो हम आपको बताएंगे हम डिकपल्ड हैं, हम डिकपल्ड हैं। डालमिया भारत पहला स्टॉक, वो सीमेंट कंपनी, इसकी ये बड़ी खबर क्या आई थी, जब इसने कहा था कि जयप्रकाश एसोसिएट्स के जो एसेट्स हैं जो बिकने आए थे वो ये एक्वायर कर रहे हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि कंपटीशन वॉचडॉग CCI ने कल उस टारगेट एसेट्स को एक्वायर करने के लिए हामी भर दी है, मंजूरी आती हुई नजर आई है। डालमिया सीमेंट दरअसल उनका क्लिंकर, उनका सीमेंट, उनके पावर प्लांट्स एक्वायर करने जा रहा है। वैसे जयप्रकाश एसोसिएट्स के क्या कहा जाता था, आज अब तो ऑफलेट पता नहीं, जब एक्टिवली ट्रैक होती थी तो कहा जाता था सबसे बेहतरीन सीमेंट एसेट्स हैं इसके पास, सबसे तगड़ा मशीनरी इक्विपमेंट इसके पास है। खैर, डालमिया भारत इन ग्रीन रख के चल रहा हूँ इस डेवलपमेंट के बाद। एक डिफेंस वाली कंपनी है जो आमतौर पर बहुत कम चर्चा में आती है, लास्ट इन्होंने बजट के समय मेरे को यादें लिया था, आमतौर पर हम लोग मेंशन करते नहीं है, पर बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।